मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम एमडी मोबाइल, स्टेशन रोड, अजमेर। कॉन्टैक्ट 8114482312। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर। ऑर्डर ऑन जोमैटो एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स, वैशाली नगर, अजमेर। का दर्द ये कहता है कि पार्षदों को भी विभागों के अंदर कोई समिति बनानी चाहिए, शामिल करना चाहिए। बिल्कुल बनानी चाहिए, सुनियोजित करके। बिल्कुल पहले पूरा नक्शा बनाना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि भाई यहाँ पे सीवरेज है कि नहीं है, कि सीवरेज पहले डालनी चाहिए, रोड बाद में बननी चाहिए, या पाइपलाइन अगर हमें चेंज करनी है। ये क्या होता है, जब किसी भी मंत्री हो चाहे कोई विधायक जा रहा हो, तो वो क्या जब लास्ट के टाइम होता है ना, 5-6 महीने बचते हैं, तो वो क्या जितना भी बचा हुआ होता है ना, वो खोद दो, बनी हुई हो चाहे कुछ ही हो, वो खोद दो बस। तो यही है यहाँ का दुर्भाग्य। अभी आपको ये रोड भी अभी वापस दूसरी बार बनी, ये पूरी बनी ना, अभी बनी थी, अभी इनको वापस खोद दिया था इन्होंने पाइपलाइन, ये वापस नहीं बनी है, दोबारा बनी है उस 5 दुकान से लेके, ये तो अभी वापस नहीं बनी है। अच्छा, सीवरेज आप बता रहे हैं कि आपके वार्ड में सीवरेज आ चुकी है, तो क्या लोगों ने सीवरेज तो 13-14 साल पहले डल चुकी है, लेकिन उसको चालू किसी ने नहीं किया। अगर उस टाइम ये चालू हो जाती ना, तो आज ये रोना नहीं होता, क्योंकि अगर उस टाइम हो जाती ना, तो वो पाइप जो सूख गए ना बिल्कुल, क्योंकि उसमें कुछ भी चीज जाएगी तो वो अटक जाती, और उसी टाइम उसको अगर चालू कर देते तो वो गीले होके या फिसलन वाले होके उस टाइम उस ये परेशानी नहीं होती, जो अभी 12-13 साल बाद आप कहते हो सीवरेज चालू कर। सीवरेज का मसला आपने सदन में क्यों नहीं उठाया था? सदन में तो चल रहा है, सीवरेज वाले जब केदार जी थे, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा भाई मेरे से नहीं होगी। जब तक ये वापस पूरे वार्ड का सर्वे नहीं होगा, सीवरेज लाइन वापस वहाँ से ऊपर से पानी डालोगे नीचे तक, यहाँ इस चौराहे तक साफ नहीं आएगा, जब तक आप नहीं कह सकते सीवरेज क्यों। इसका कारण इतनी पाइपलाइनें डली यहाँ पे, पूरी जगह से खोद दिया, लाइनें इतनी डाल दी, सीवरेज में से डाल दी, जेसीपी आई खोदी, वो बंद, वापस अपना काम किया, बंद कर दिया, वो सीवरेज भी बंद हो गई। अब वो जिसने कनेक्शन वहाँ से लिया, वो पानी यहाँ तक तो आएगा, उसके बाद पानी कहाँ जाएगा, वो उसके घर में जाएगा। तो सीवरेज की समस्याएँ बहुत ज़्यादा है, सीवरेज का कोई नहीं। अगर आज आप कंप्लेन कराते हो तो आपकी 15 दिन तक कोई सुनने वाला नहीं, चाहे पानी आए, चाहे कीचड़ आए, चाहे कुछ भी आए। सरकार तो कह रही थी, बीजेपी की सरकार स्मार्ट सिटी लाई, स्मार्ट सिटी में बहुत सारे स्मार्ट सिटी में तो हमारे तो है ही नहीं ना, दक्षिण में स्मार्ट सिटी को लिया का, 13 वार्ड लिया, आप 13 वार्ड में जाके पूछो। अभी तो बहुत बड़ा वार्ड है हमारा पहाड़गंज, ठेठ पहाड़ तक है। स्मार्ट सिटी में सिर्फ 13 वार्ड लिए हैं, 13 वार्ड में भी कोई काम नहीं हुआ, और वो भी वहाँ के लिए उत्तर के, दक्षिण का तो कोई भी वार्ड दक्षिण वालों के साथ भेदभाव। दक्षिण में तो भेदभाव होता ही है ना, उनको सबको पता है कि यह दक्षिण है ना, SC ST की बस्ती है। अच्छा, उनको क्या करना बेचारे, ये वैसे स्मार्ट हो नहीं सकते, सरकार का ये मानना। इसलिए क्या दक्षिण में कोई भी कार्य नहीं करना, 25 साल से चाहे मंत्री भी रहे ना, उसने भी आके नहीं देखा भाई SC ST की बस्ती में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना। वो तो खुद क्या करा उन्होंने, करा क्या, पद का फायदा उठाया और कुछ नहीं करा। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी दलितों के लिए काम नहीं करती? मैं बीजेपी की बात नहीं कर, मैं तो ऐसी जो हमारे मंत्री रही 25 साल उसके लिए भी कह रहा हूँ मैं तो। हाँ। जो इस क्षेत्र से दक्षिण से मंत्री रही है, वो उसको मैं बताऊँ कि भाई आपने 25 साल में एक काम कराया तो बता दो इधर, यहाँ से ही लड़ी हो दक्षिण से ही। हाँ। ये भी दक्षिण का वार्ड आता है ना। हाँ। तो आप बताओ भाई मैंने यहाँ विकास कार्य कराया, SC की बस्ती है ना ये पूरी। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम एमडी मोबाइल, स्टेशन रोड, अजमेर। कॉन्टैक्ट 8114482312। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर। ऑर्डर ऑन जोमैटो एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स, वैशाली नगर, अजमेर। हो गए इनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं इनको। हाँ, ये हमारे यहाँ के पार्षद है पिंटू जी बोरा, और कांग्रेस से है। कैसा है इनका कार्यकाल? इनका व्यवहार बहुत अच्छा है और सब प्रिय है और अच्छा है इनका कार्य। काम कैसा किया इन्होंने? काम इनका बेहतरीन है, यहाँ आप देख लो सड़कें बनी हुई है और साफ सफाई देख लो आप, और उसके अलावा इनका मतलब नेचर बहुत ही अच्छा नेचर है, मतलब छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बुजुर्ग हो, कोई कैसा भी इंसान हो, तरीके से बात करते हैं और बहुत सभ्यता से बात करते हैं। इससे पहले के पार्षद कैसे थे? इससे पहले के पार्षद ठीक है अपनी जगह, हम किसी की बुराई क्यों करें। देखो किसी को भी बुरा या अच्छा कहना हमारी फितरत में नहीं है, काम होना चाहिए, लेकिन जो श्रेष्ठ होता है उसकी बात तो आदमी करता ही है ना। सही, चलिए उसकी बात आदमी करता ही है। आगे चलते हैं। और अच्छा, आप एक बात और बताइए कि आपके वार्ड के अंदर कोई गार्डन है या नहीं? नहीं,
तो गार्डन आपको लगता नहीं है कि एक बहुत बड़ी समस्या है वाकई? आइए, गार्डन क्या हमारे, देखो जगह है नहीं, जगह की दिक्कत है। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 811-44-82312. Hamare yahan ward garden hona chahiye, lekin uske liye jagah kahan se uplabdh ho? मैं चाहता हूँ एक गार्डन के लिए जगह है, हमारे पहाड़ी थोड़ा सा है वहाँ पे, मतलब पहले झरना बहता था और बहुत अच्छी मतलब वहाँ जगह है, लेकिन वो वन विभाग की जगह है। अगर सरकार के पत्ने से मैं लिख के देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा अगर वहाँ पे अच्छा गार्डन बन जाए या नर्सरी बन जाए पेड़ पौधों के लिए, तो बहुत अच्छी जगह है। मतलब वहाँ डैम भी बना हुआ छोटा सा पानी रोकने के लिए, तो वो जगह पर गार्डन तैयार हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन वन विभाग की, वन विभाग की तो कोशिश रहेगी आपकी। ये पूरी खोद दी है, पूरे हमारे ऊपर तक अभी पहाड़ी तक गए नहीं है। हाँ। नहीं तो पूरे मतलब सबसे ज्यादा जो, क्योंकि पानी की टंकी मेरे वार्ड में, मेरे घर के जस्ट ऊपर पानी की टंकी है, जो पूरी यहाँ से आपकी डिग्गी बाजार तक सप्लाई उसी की है, फिर नीचे केसरगंज तक वही है। तो वो क्या जो भी खुदाई होती है ना, मेन वहीं से होती है। तो ये क्या पूरी रोड हमारे, मैं तो इससे दुखी हो गया हूँ कि PhD वालों को कोई समझा दे कि भैया रोड बनने के बाद प्लीज करके उसको खो देनी। पार्षद का दुख है, अभी तक इतने भी हमने कार्यक्रम किए हैं, यहीं तक है। हाँ, आगे चलते हैं, बात तो हम पूरी करेंगे ही करेंगे। ये दुख है एक पार्षद का कि जो सरकारी विभाग है, जो महकमे हैं, वो किस तरीके से बिना सोचे समझे खुदाई कहीं भी कर देते हैं, और उसका जो खामियाजा होता है वो जनप्रतिनिधि को भुगतना पड़ता है, जनता उनसे नाखुश होती है। अच्छा, CCTV कैमरे भी आपके वार्ड में मुझे नहीं, नजर नहीं आए। नहीं है हमारा, हमने नहीं किया था, लेकिन अभी आयुक्त मैडम से भी इस बारे में बात हुई थी, जिसी में मुद्दा लाए थे कि CCTV, लेकिन आयुक्त मैडम ने ये बोला था कि भाई CCTV अभी 6-8 महीने या 1 साल बाद, वैसे अभ्यगमान की तरफ से लगने हैं, स्मार्ट सिटी के तहत है शायद, तो बोले कि फिर निगम क्यों पैसा वेस्ट करे। तो इसलिए वार्ड में मेरे ख्याल से 60 वार्ड में से सिर्फ 2 या 3 वार्डों में CCTV कैमरे लगे। मतलब ये उम्मीद की जा सकती है कि स्मार्ट सिटी के तहत अजमेर के आपके वार्ड में कमान के डिपार्टमेंट के हिसाब से लगेंगे। मुझे नहीं लगता है कि वो प्रॉपर हर वार्ड में कैमरा लगाएंगे हर जगह, क्योंकि वो मेन रोड ही कवर करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ निगम से कि भाई जहाँ तक हमारे जैसे कच्ची बस्तियाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि बेरोजगार लोग बहुत रहते हैं और काम धंधे है नहीं, फालतू तो बैठते ज़्यादा हैं, तो इसके लिए मैं चाहूँगा नगर निगम के भाई उन बस्तियों में तो कम से कम जगह जहाँ अपराध की ज़्यादा गुंजाइश होती है, तो वहाँ CCTV कैमरे लगने चाहिए। चलिए आप कुछ राजनीति की बात कर लेते हैं। आप लोगों के पार्षदों के ग्रुप में चर्चा किस बात को हो रही है कि इस बार मेयर का उम्मीदवार बनाया किसको जाएगा? देखो, मेयर का जो भी अगर मेयर बनना चाहे वो सीनियर होना चाहिए, और मतलब जो सीनियरिटी रखता हो वही मेयर बनना चाहिए। हम तो देखो, मैं तो साफ बोलता हूँ, मैं तो इसमें हूँ भी नहीं मेयर के, ना मैंने सोचा इस बारे में। मैं चाहता हूँ जो हमारे कांग्रेस की तरफ से जो सीनियर हो उसको ही मेयर का। वरिष्ठ में किसको जा रहे हैं, नेताओं में जा रहे हैं या आप चाहते हैं कि पार्षदों में जो सीनियर हो? भाई अगर सरकार का निर्णय होगा भाई जो पार्षदों में से बने, तो मैं चाहूँगा कि सीनियर में से ही बने, जो भी हमारा वरिष्ठ हो उसी में से बने। हाँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी सुनने में आई थी बातें कि अब पार्षदों की लॉबी एकजुट हो रही है और इस बार सरकार से कहेगी कि जो जितना लंबा समय से पार्षद जीता है उसको मौका दिया। जितना भी दर्द होता है वो सिर्फ पार्षद जानता है, क्योंकि देखो आज कोई भी परेशानी होती है, आज हर व्यक्ति वोट सांसद को भी देता है, वोट विधायक को भी देता है, वोट पार्षद को भी देता है, लेकिन कोई भी समस्या होगी, बिल्ली मर गई, कुत्ता मर गया, सफाई नहीं हो रही किसी की, तो आप सिर्फ पार्षद के पास ही जाओगे, क्योंकि उनको बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि पार्षद जुड़ा रहता है तो पार्षद जानता है सबका दुख कि भाई वो जमीन से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं भी ये चाहता हूँ भाई पार्षद में से ही बनना चाहिए मेयर। अच्छा, पार्षदों में से ही बनना चाहिए मेयर, ये ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस के अगर शहर अध्यक्ष देख रहे हों, कांग्रेस के दोनों बड़े नेता जो शहर के हैं वो देख रहे हों, तो उनको पार्षद की बात भी समझनी और सुननी चाहिए, और ये आपके अधिकतर पार्षदों की बात है, और हो सकता है कि एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी इस मरतबा अजमेर नगर निगम चुनाव में देखने को मिले। अच्छा, आप एक बात और बताइए, अजमेर उत्तर में जो
खड़े हुए आपके उम्मीदवार वो हार गए चुनाव, दक्षिण वाले हार गए चुनाव, लेकिन दोनों आज भी आप लोग के नेता हैं, दोनों में से बेहतरीन नेता कौन है? जी हमारे देखो, हम दक्षिण से हैं तो हम तो हेमंत भाटी जी से हमारा जुड़ाव ज़्यादा है, और उत्तर में रलावता जी तो वो अपनी जगह है। देखो हमारा उनसे क्या बहुत ज़्यादा तो काम पड़ता नहीं, क्योंकि हमारा काम अधिकतर तो हमारे हेमंत भाटी जी से पड़ता है, क्योंकि दक्षिण का कोई भी कार्य होता तो इनको हम याद करते हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, अच्छे हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं, सक्रिय भी है पार्टी की तरफ से, और नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, तो हम तो इन्हीं की बात करते हैं बाकी। अच्छा हेमंत भाटी आप लोगों को सहयोग करते हैं कभी वार्ड में अगर? नहीं, आर्थिक नहीं, 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 बिल्कुल करते हैं, जैसे कोई भी काम बता दो उनको तो अगर वो सरकारी महकमे से नहीं होता तो पर्सनली रूप से भी वो कर देते हैं, उसको कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं, मतलब आर्थिक रूप से वो करते हैं, मतलब किसी जैसे 1-2 लाख कोई की आवश्यकता हो जाती है, जैसे कोई बहुत मंदिर की है, किसी की शिक्षा के अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत है, या किसी विधवा की, या किसी की शादी में, किसी गरीब बच्चे की शादियों में कुछ देना हो उसको, तो वो देते हैं, देते हैं। मतलब बहुत अच्छा नहीं। अच्छा कांग्रेस में नाम किस किसके चल रहे हैं, कौन बनेगा मेयर में, आज उन नामों को थोड़ा सा टटोला जाए अगर कि कौन कौन हो सकते हैं, क्योंकि राजकुमार जयपाल भी कोशिश कर रहे हैं, कमल बाकुलिया भी कोशिश कर रहे हैं, और अधिकतर पार्षदों का दर्द ये है कि पार्षदों का ही कोई प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे। भाई देखो अब ये बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, अब ये तो ट्राई कर सकते हैं भाई, ये डायरेक्ट भी ला सकते हैं, ये कहीं से भी मतलब अच्छा है, मतलब सीनियरिटी के हिसाब से अगर ये जीत के आए तो बहुत खुशी की बात है। नहीं चल किसका रहा है नाम चलने में, तो जो आपने बोला वो सही कह रहे हो आप, लेकिन हम तो हमारे पार्षदों में से जैसे बोले जाए तो जैसे सुनील केन जी है, अपने सरवन टोनी है, अपने चंद्रशेखर बालोटिया है, और भी जो सीनियर हैं उनको मौका मिलना चाहिए। अच्छा नगर निगम के नए परिसीमन 80 वार्ड हो गए अब, तो नए परिसीमन से आपको क्या लगता है कि इसका राजनीतिक फ़ायदा किसको होने वाला है, कांग्रेस को या भाजपा को? इसका राजनीतिक फ़ायदा तो देखो मेरा मानना है कि पब्लिक उसी के साथ जाती है फिलहाल तो, जिसकी सरकार हो, राज्य में या केंद्र में, ये राज्य में। क्योंकि आप कहाँ पे भी देख लो नगर निकाय के चुनाव में अधिकतर उसी को फायदा होता है जिसकी सरकार होती है, क्योंकि चुनने वाला यही देखता है यार कि इसको अगर हम चुनते हैं और लेकिन आगे जैसे मैंने अपनी पीड़ा बताई कि 4 साल पहले तक हमारी गवर्नमेंट थी नहीं तो हमारे कुछ काम भी नहीं हुए, हम किसके पास जाएं, ना मंत्री ना सांसद ना मेयर ना किसके पास जाएं, तो यही दुख होता है कि फिर पब्लिक भी हम जैसा हम बोलते हैं कि पब्लिक को हम बोलते हैं भाई हमारी सरकार ही नहीं, 4 साल हम किसके पास जाएं, ना हमारा विधायक है जो विधायक कोटे से करा लें, तो यही नगर निकाय के चुनाव में लोग बाग फिर यही सोचते हैं यार कि इसको वोट दें किसको दें, क्योंकि सरकार तो उनकी है, तो फिर काम वही बोला जो पहले पार्षद बोलता था, फिर दूसरा पार्षद बोलेगा कि भाई हमारी तो सरकार ही नहीं हम क्या करें, यही दुख है पब्लिक का। और विधायक कोष से कभी अनीता बदेल ने खर्च किया आपके वार्ड में? नहीं, मेरे वार्ड में मेरे 25 साल तक देखते हुए तो अभी तक मेरे को नहीं कहा, एक मैं जो कार्य कराना चाहता था उनको किसी ने बताया तो उन्होंने पहले करा दिया, 8-10 लाख की पुलिया बनाई थी उन्होंने अभी बस 25 साल। कौन सी पुलिया? ये चांदमारी क्षेत्र में है वहाँ, वो पुलिया बस एक ही काम उन्होंने किया आपके इलाके में, वो भी मैं करवा रहा था उसको, लेकिन उनको किसी ने उनके जो जुड़े हुए थे तो उन्होंने बोला कि वो बनवा देगा, इससे पहले आप बनवा दो। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114-82312। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन जोमैटो एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स वैशाली नगर अजमेर। कोई दिक्कत नहीं, मेरा कहना है विकास होना चाहिए, वार्ड में विकास होना चाहिए, पब्लिक का विकास होना चाहिए, आप MLA हो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो उसका नहीं, आप सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए चुने जाते हो, इसलिए आप सिर्फ जनता के, ये मत देखो कि कांग्रेस का वार्ड है तो इसमें विकास कार्य नहीं करवाना, आप ये नहीं सोच रहे हो कि अगर मुझे वोट मिले तो आपको भी वोट मिले ही होंगे ना, तो आप ये क्यों सोचते हो, अगर वोटों की राजनीति करनी है तो फिर मतलब ही नहीं है ना, आप सेवा करने क्यों आए, आप प्रोफेशनल बनो या तो फिर, ये तो गलत है, आपको देखना चाहिए भी कि मेरे लिए तो पब्लिक, आज जीतने के बाद पब्लिक सबके लिए बराबर होती है, आज मैं भी जीता हूँ बहुत कम वोटों के अंतराल से जीता, 25 साल से बीजेपी थी यहाँ, फर्स्ट टाइम मैं कांग्रेस से आया हूँ, मैं
उसके बाद बहुत कम अंतराल से जीता था क्योंकि मैं फर्स्ट चेहरा था, नया चेहरा था, उसके बाद भी मैं जीता तो, लेकिन मैंने ये थोड़ी देखा कि भाई ये बीजेपी का पब्लिक रहती है, मतलब यहाँ 2000 लोगों ने वोट बीजेपी को दिया है तो मैं उनका कार्य नहीं करूँ, तो मेरे लिए तो समान हो गए ना जीतने के बाद, तो सब समान है। सेंधमारी कुल मिला के आपने बीजेपी के गढ़ में की इस बार? 25 साल से बीजेपी थी यहाँ पे हमारे वार्ड में, कांग्रेस तो मैं भी टिकट लेने गया था, बोले भाई आपको क्यों दें, तो मैंने कहा आपने 25 साल पहले भी 5 बार दिए हैं लोगों को, उसके बाद भी कोई जीता तो है नहीं आपके, तो आप देखो कि इसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, जीतने वाले व्यक्ति को देना चाहिए जो सक्षम हो जीतने के अंदर, उसी को टिकट देना चाहिए, टिकट उसी को देना चाहिए। इस बार क्या तैयारी है कि इस बार दोबारा टिकट मांगा जाएगा या छोड़ दिया जाएगा? टिकट मांगेंगे, बिल्कुल सेवा करेंगे हम पब्लिक की, और आगे जहाँ तक हो सका, सबसे मैंने कहा था अहम मुद्दा मैं बताऊँ आपको हमारे वार्ड का, एक तो ये भी है, ये नियमन नहीं होने का कारण ये भी था कि पुराने नियमन तो हो गए थे, उसके बाद सरकार ने बोला भैया आपकी ज़मीन होगी तो ये आप पट्टे बांटोगे, इसका कारण ये था कि हमारी क्या पुराने जो बहुत सालों से जब हम बचपन से रहने आए थे, जब से ये क्या अपने मलूसर बावड़ी से लेके पूरा ऊपर पहाड़गंज तक क्या अभी तक भी रिकॉर्ड के अंदर है ना कब्रिस्तान ही बोलता है, किसी बड़े नेताओं ने ये कोशिश नहीं की कि इतना बड़ा आबादी क्षेत्र है, नगर निगम की रोड लाइटें हैं, सब कुछ नगर निगम व बोर्ड देते हैं, आधों से ज़्यादा के लोगों के पट्टे बने हुए हैं, लेकिन वो ये कभी उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि भाई हम इसको रिकॉर्ड से हटवाएं कि शमशान और कब्रिस्तान कहाँ से, आप सर्वे कराओ, अगर आप इसको आबादी क्षेत्र घोषित करते तो वैसे पट्टे बन जाएंगे, तो मैं यही कहना चाहता था भाई ये रिकॉर्ड से ना कब्रिस्तान को हटाया जाए, जिससे क्या वैसे ही लोगों को आबादी क्षेत्र होते वैसे राहत मिल जाएगी। चलिए, तो इस बार के चुनाव में मोटे मोटे 5 कौन से मुद्दे आपके रहने वाले हैं जो आप पब्लिक के लिए दोबारा सदन में रखेंगे, नगर निगम का चुनाव उनको आधार बनाकर लड़ेंगे? मैं चाहूँगा पहले तो कि हमारे वार्ड में CCTV कैमरे लगे जिससे अपराध की संख्या में कमी हो, दूसरा अगर मैं चाहूँगा कि मेरे ही कार्यकाल में सभी लोगों को पट्टे मिल जाएँ तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी, और मैं चाहता हूँ कि एक थोड़ा सा पुलिस व्यवस्था अच्छी हो, रात के टाइम उन पर शिकंजा हो जो फालतू बैठते हैं या आवारागर्दी करते हैं, जो लड़के घूमते तेज बाइक लेके उन पर थोड़ी सी लगाम कसी जाए, और शिक्षा के बारे में लोगों को मतलब आंगनवाड़ी के लिए अच्छी जगह करवाना उपलब्ध सरकार के द्वारा भाई कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए और उनको अच्छा पोषाहार भी मिल पाए, इस पर मेरा जोर रहेगा। तो इस बार बोर्ड किसका बन जाएगा? बोर्ड कांग्रेस का बनना। पक्का बनेगा? पक्का। कैमरे पे कह रहे? बिल्कुल। श्योरिटी है इस चीज़ की? हाँ, मेरी तरफ से तो है, और सब मिलकर रहेंगे तो जरूर बनेगा बोर्ड। सब मिलकर रहेंगे तो जरूर कांग्रेस का बोर्ड बनेगा ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, आप कार्यक्रम खत्म होते होते एक बात और बता दीजिए, कौन बनेगा मेयर शो जो MTTV इंडिया चला रहा है, ये कैसा लग रहा है? फर्स्ट क्लास, बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए। इससे क्या पता लगता है कि पार्षद की भूमिका के बारे में पता लगता है कि पार्षद ने क्या किया है, जो चुनाव के दौरान जो मतलब पहले उनसे वादे करता है वो कहाँ तक खरा उतरता है, पब्लिक के बीच में जाता है या नहीं जाता है, पब्लिक की परेशानी को कैसे वो हैंडल करता है या नहीं करता है, सफाई व्यवस्था कैसी चल रही है, उसको ध्यान होना चाहिए, पार्षद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सड़क नाली लाइटों की पोल कहाँ पे क्षतिग्रस्त है उनको चेंज करवाना, पाइपलाइन कहाँ पे नहीं है उसको चेंज करवाना, ये पार्षद की जिम्मेदारी होती है। जब वो पार्षद का टिकट मांगने जाता है तो सर्वप्रथम इसकी प्राथमिकता यही होती है कि वो वार्ड की सफाई, रोड नाली सड़क इनकी व्यवस्था का पूरा ध्यान रखेगा, और पब्लिक का कभी भी जैसे कोई साइन कराने उनको 8% मतलब मिलना चाहिए, उनको चक्कर नहीं कटाने चाहिए, ये प्राथमिकता होती है पार्षद की जब चुनाव लड़ता है, और मैं चाहूँगा कि सब पार्षद को इसी तरह भूमिका निभानी चाहिए जीतने के बाद भी, और उसके लिए बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं होना चाहिए जीतने के बाद, उसके लिए सभी समान होने चाहिए, उसको वहीं पे काम करना चाहिए जहाँ उसको यही समझना चाहिए कि सारे मेरे ही ये वोटर हैं, उसको कभी भी एक दूसरे से ये नहीं करना चाहिए कि उसने मेरे को वोट नहीं दिया उसने मेरे को, जीतने के बाद वो सब चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए, सभी के लिए समान कार्य करने चाहिए, सभी को मतलब बिल्कुल इक्वल नज़र से देखना चाहिए, सभी को समान नज़र से देखना चाहिए किसी भी पार्टी से हों लेकिन जनता के लिए काम करना चाहिए। वार्ड नंबर 16 से पार्षद हैं और आगामी चुनाव की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो कौन बनेगा मेयर शो में आज केवल इतना ही, आपके वार्ड में भी आने वाले हैं, आपके पार्षद को साथ लेकर आएंगे, जानने की कोशिश करेंगे
कि आखिर 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम आपके बोर्ड में कराया है। आज के लिए केवल इतना ही। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड, अजमेर। कॉन्टैक्ट 8114482312। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर। ऑर्डर ऑन जोमैटो एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस, नियर यादव कॉम्प्लेक्स, वैशाली नगर, अजमेर।